देखें उत्तरी काली पॉलिश मृदमान क्या क्या पढ़ेंगे, ये बर्तन कैसे हैं, ये बर्तन किस काल में बनते थे, इस बर्तन को बनाने वाले लोगों की सभ्यता क्या थी, अर्थात इस बर्तन का संबंध किस सभ्यता से है, ये बर्तन कहां से पहली बार पाए गए और किन किन क्षेत्रों में आज पाए जाते हैं, कौन कौन पुरातत्वविद इनको खोजने में अपना योगदान दिए थे, इस बर्तन को बनाने की तकनीकी क्या थी, इसकी अपनी निजी विशेषता क्या है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इन्हें, इन सब का अध्ययन हम इस क्लास में आज करेंगे। ठीक, यह मृदभांड भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सबसे चर्चित मृदभांड माना जाता है, अपने स्तर का यह सबसे ऐतिहासिक प्रमाण है, सबसे ऐतिहासिक तथ्य है इतिहास को जानने का समझने का, और यह समझें कि यहीं से इतिहास टर्न ले लेता है। ये बर्तन कैसे हैं एक बार जरा इनकी विजिट कर लिया जाए, ये देखें, ये बर्तन के टुकड़े हैं, मृदभांडों के टुकड़े, किसी बड़े बर्तन के टुकड़े हैं, इनका रंग रूप आप देख सकते हैं, ये देखिए साबुत बर्तन है, इनको देखकर नहीं लगता कि ये मिट्टी के हैं, ऐसे लगता है जैसे मेटल के हैं, किसी धातु के बने हुए हैं, ये देखिए अपने आप में बड़ा यूनिक बर्तन है, कढ़ाई है, इन बर्तनों का रंग देखें, इनकी चमक देखें, इनकी विशेष बनावट देखें, सबसे बड़ी बात आती है कि इनकी चमक क्या है, इनमें धातु जैसी चमक है और इनका रंग काला है, ऐसा लग रहा है जैसे काली पॉलिश की गई है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आज अगर हम खुदाई करते हैं तो ये बर्तन प्रमुख रूप से हमें तक्षशिला में मिलते हैं, जा रही है, किसी की आवाज उठते हैं, आवाज बंद कर लो, नहीं बेटा बीच में आवाज नहीं ओपन करेंगे, जब हम आपसे पूछेंगे लिख लिया करें, कोई जिज्ञासा हो तो फिर बाद में आप अपनी आवाज ओपन करके हमसे बात कर सकते हैं। बहरहाल तक्षशिला, वैग्राम, पाटन, रोपण, उज्जैन, आप जान सकते हैं तक्षशिला आज रावलपिंडी में है, वैग्राम जो स्थान है वो आज अफगानिस्तान में है, पाटन गुजरात का स्थान है, रोपण पंजाब का स्थान है, उज्जैन मध्य प्रदेश आप जानते हैं महाकाल का मंदिर है यहाँ। तो इन स्थलों की खुदाई से हमें इस प्रकार के बर्तन मिले। इसके बाद देखें कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कुंभारगांव, श्रृंगवेरपुर, राजघाट, हेतिमपुर, हेतिमपुर और राजघाट बनारस है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज है आप जानते हैं, कुंभारगांव पटना का पुराना नाम कुंभारगांव है, ये जो पटना है जिसे आप पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन पाटलिपुत्र था आज वह कुंभारगांव के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक पटना उससे थोड़ी दूरी पर बसा हुआ है। श्रावस्ती आप जानते हैं, हस्तिनापुर के बारे में आप जानते हैं, कौशाम्बी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कुंभारगांव, श्रृंगवेरपुर, राजघाट, हेतिमपुर, ध्यान से देखिए ये सभी स्थान गंगा घाटी में है, गंगा नदी के किनारे हैं। इसके बाद चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में है, ये भी गंगा घाटी का स्थान माना जाएगा, तिलौराकोट नेपाल की तराई में स्थित है, शिषपालगढ़ उड़ीसा,
उड़ीसा का प्राचीन नाम शिष्यपालगढ़ है। ये प्रमुख स्थान है जहां से इस प्रकार के बर्तन मिले। कैसे बर्तन मिले हैं इनके बारे में आप देख लें। इस तरह के बर्तन मिले, ये हमने तीन स्लाइड बनाई है, इसकी तीन स्लाइड पर्याप्त है जो डिजाइन को समझा सकती है। किसी प्रकार के मृदभांडों के कुछ टुकड़े मेरे पीछे अलमारी में रखे हुए हैं। जब मैं कौशाम्बी विजिट पर गया था तो वहां से उन्हें कलेक्ट किया था। ये प्रमुख स्थान है। इन स्थानों की खुदाई कराने वाले जो विद्वान थे, पहला नाम हमें मार्टिमर व्हीलर का मिलता है, उसके बाद कृष्णदेव का मिलता है, फिर बीबी लाल है। बीबी लाल के बारे में मैंने टिप्पणी लिखने को दी थी, आप उसे टिप्पणी में से जोड़ते चलेंगे। खान बहादुर सनाउल्लाह एक पुरातत्वविद है जो इस मिट्टी के बर्तनों की खुदाई में, इस खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केटीएम हेगड़े और एचसी भारद्वाज ये प्रमुख पुरातत्वविद हैं जो इस प्रकार की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब ये बर्तन मिले, ये पुरातत्वविदों ने खुदाई करवाई, इस तरह की डिजाइन मिली। अब बात आती है कि इनका नाम उत्तरी काली पालिश मृदभांड क्यों, इनका नामकरण क्यों ऐसा। क्लियर? तो आप सीधी सी बात देखें, बर्तनों का नामकरण क्या होता है, उनकी डिजाइन को देख करके किया जाता है। कभी कभी उनके नामकरण में क्षेत्र विशेष को भी जोड़ देते हैं कि ये बर्तन किस क्षेत्र में बहुलता से मिले। देखिए नामकरण, जब प्रारंभ में खुदाई हो रही थी तो ये उत्तर भारत में प्राप्त हुए। उत्तर भारत जैसे तक्षशिला, रोपड़, ये सब उत्तर भारत का इलाका माना जाता है। बायग्राम, ये उत्तर भारत के इलाके में प्राप्त हुए थे अधिकता से। ये देखने में अत्यंत चमकदार थे, चमकदार थे इसीलिए पालिश दार माने गए और काला रंग इनका है। इतनी विशेषता को देख करके मार्टिमर व्हीलर और कृष्णदेव ने मिलकर इस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का नाम दिया उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, जब यह नामकरण लोकप्रिय हो गया, बहुत दिनों तक इस नाम का लोग प्रयोग करने लगे, किताबों में छप गया, अनेक पुरातत्वविदों ने इस पर शोध पत्र लिख दिए, अनेक सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई, इस पर अनेक शोध हुए। जब इस पर शोध होना शुरू हुआ और खुदाइयां हुई तब पता चला कि नहीं, ये बर्तन केवल उत्तर भारत में नहीं पाए जाते, ये बर्तन उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी भारत में भी पाए जाते हैं और पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। ये बर्तन उड़ीसा में भी पाए गए, बंगाल में भी पाए गए, जो उत्तर भारत नहीं है पूर्वी भारत माना जाएगा। शिष्यपालगढ़ जो उड़ीसा है वो उत्तरी भारत ना मान करके हम उसे पूर्वी भारत का हिस्सा मानते हैं, पूर्वी भारत है वो। पाटन किसी भी रूप में उत्तरी भारत नहीं है, पश्चिमी भारत का इलाका है। गुजरात, उज्जैन उत्तरी भारत ना होकर के मध्य भारत के क्षेत्र में माना जाएगा। तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रसार हम केवल उत्तर भारत में नहीं देखते, उत्तर भारत में भी है, पश्चिम भारत में भी है और पूर्वी भारत में भी है, यानी भारत के बड़े हिस्से में इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिला है। तब कहा जाए कि ये उत्तरी काली पॉलिश है, तो जो उत्तरी शब्द इनकी प्राप्ति स्थान को बता रहा था अब वो सार्थक नहीं रह पाया। इनके नाम में उत्तरी लगा है तो उत्तरी क्या बताता है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों से पाए गए थे शुरुआत में, उसी को देख करके नामकरण कर दिया गया, तो अब वह नाम बड़ा सार्थक नहीं है। दूसरी बात, ये बर्तन आज देखें उत्तर में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, तीनों क्षेत्रों में मिलता है, इसलिए
ये बर्तन निश्चित रूप से केवल उत्तरी भारत में न होकर के तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो केवल उत्तरी कहना कठिन है। दूसरी बात, आज जो बर्तन हमें इस तरह के पाए जाते हैं वो केवल काले रंग के नहीं है, ये बर्तन नीले भी हैं, सुनहरे भी हैं, रुपहले भी हैं। सुनहरे माने सोने जैसे रंग के, रुपहले माने चांदी जैसे रंग के, नीले रंग के हैं, नारंगी रंग के हैं, चॉकलेटी रंग के हैं, गुलाबी रंग के बर्तन हैं। तो हमें गुलाबी भी मिले हैं, चॉकलेटी भी मिले हैं, नारंगी भी मिल रहे हैं, रुपहले भी मिले हैं, सुनहरे भी मिले हैं। तो अनेक प्रकार के रंगों की ये बर्तन मिले हैं। तो जब अनेक प्रकार के हैं तो इनको काली रंग से बात करना, काले रंग का मानना, ब्लैक मानना, यह भी तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, पहले तो माना गया कि ये बर्तन पॉलिशदार है, पहले इस चीज को स्वीकार किया गया कि यह बर्तन पॉलिशदार है, लेकिन आज जब हमारे पास अधिक प्रमाण मिल चुका है तब एकदम निश्चित हो चुका है कि यह बर्तन पॉलिशदार नहीं है, इन बर्तनों पर कोई पॉलिश नहीं लगी है। आज तो साइंस के द्वारा भी, विज्ञान के द्वारा भी इसको प्रमाणित किया जा चुका है कि यह बर्तन पॉलिशदार नहीं है। तब फिर चमक किस चीज की है? जो चमक है वह मिट्टी के बर्तनों में प्रयुक्त पदार्थ की चमक है, पॉलिश की चमक नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाने में जिन पदार्थ का प्रयोग हुआ है, जिस मिट्टी का प्रयोग हुआ, उस मिट्टी में जो तत्व हैं, ये वास्तविक चमक उसकी है, पॉलिश की चमक नहीं है। इसलिए इनको पॉलिशदार कहना भी तर्कसंगत नहीं है। तो जो नाम रखा गया उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, वह नाम आज देखा जाए तो तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं है। फिर भी इतिहास के विद्यार्थी, इतिहास के अध्येता किसी नाम का प्रयोग करते हैं, NBPW का ही प्रयोग करते हैं, कोई और नाम नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? पहली बात कि बहुत समय तक, लंबे समय तक इस नाम का प्रयोग पुरातत्वविद कर चुके थे और इस नाम से अभ्यस्त हो चुके थे, तो एक पूरी सभ्यता की पहचान इस नाम के साथ जुड़ चुकी थी। नया नाम रखना थोड़ा सा असुविधाजनक था, इसलिए वही पुराना नाम थोड़ा असंगत होने पर भी कंटिन्यू रखा गया। दूसरे, अगर हम इन्हें अन्य कोई नाम दे, उत्तरी के बदले पश्चिमी दे दे, पश्चिमी के बदले पूर्वी दे दे, तो भी असंगत है। काले के स्थान पर लाल गुलाबी दे दे तब भी असंगत है, नारंगी कह दे तब भी असंगत है। यानी कोई और नाम अगर रखते तो एक नाम पूरे बर्तनों की क्वालिटी को, पूरे बर्तनों की संस्कृति को, पूरी बर्तनों की परंपरा को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वही नाम जो पहले से चला आ रहा था, असंगत होने के बावजूद भी उसी को लगातार बनाए रखा गया। आज इस नाम की आपत्ति पर किसी प्रकार की और चर्चा नहीं की जाती है, आपत्ति के साथ इस नाम को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यह मानते हुए कि इनका प्रसार केवल उत्तर भारत में नहीं है, इनका प्रसार केवल पश्चिम भारत में नहीं है, इनका प्रसार केवल पूर्वी भारत में नहीं है, बल्कि इनका प्रसार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बर्तन चमकदार हैं लेकिन पॉलिशदार नहीं है, इनकी चमक स्वाभाविक चमक है, जो पदार्थ की चमक है। और दूसरे, ये बर्तन केवल काले रंग के नहीं है, अन्य और भी रंग है, रुपाले हैं, सुनहले हैं, और ये नारंगी है, ये गुलाबी भी है। तो इस तरह के बर्तनों के अनेक रंग हैं। इन आपत्तियों को स्वीकार करते हुए जो परंपरा से नाम चला आ रहा था उसी को इतिहासकारों ने
स्वीकार कर लिया, अब इस नाम के बारे में किसी प्रकार की असंगति नहीं मानी जाती। ओके, ये रहा नामकरण और ये रहा उस नाम के साथ जुड़ा हुआ विवाह। आगे पढ़ते हैं इन बर्तनों का निर्माण कैसे हुआ। तो इन बर्तनों का निर्माण तीव्र चालित चाक से किया गया, यानी एक ऐसे चाक से किया गया जिस चाक की गति बड़ी तेजी हो। चाक की गति बहुत तेजी से होगी, तीव्र होगी, तो बर्तन बड़े पतले बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये बर्तन बड़े ही पतले हैं, मोटे बर्तन नहीं है। इनकी सरफेस पतली सरफेस है, मोटी नहीं है। ये मिट्टी के बने हैं बर्तन, लेकिन इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड माने लौह अयस्क है, फेरस सल्फेट है, फेरस लाइम है और फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट है। यानी जिस मिट्टी से ये बर्तन बनाए गए हैं उसमें लोहे का अयस्क है और लौह अयस्क के विविध स्वरूप इसमें मिले हुए हैं। फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट है, फेरस लाइम है और जो फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट है वह धातु जैसी चमक देता है। यही कारण है कि इन बर्तनों में धातु जैसी चमक, आप देखें खुद इन बर्तनों को तो इन बर्तनों में धातु जैसी चमक है। ये जो चमक है फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट का है। ये जो मजबूती इसकी है वो फेरस ऑक्साइड के कारण मजबूत है, यानी इसमें मिट्टी के साथ साथ लोहे का अंश मिला हुआ, इसलिए ये धातु जैसी चमक देते हैं। और जो फेरस ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर देता है, सामान्यतः ब्लैक कलर देता है, इसलिए इनका रंग प्राय काला है। दूसरी बात, ये खुले आमे में नहीं पकाए गए, बंद आमे में पकाए गए। इनको पकाने के लिए विशेष प्रकार के आमे का निर्माण किया गया। ये बंद आमे में पकाए गए हैं और जब पक गए हैं तो ये धीरे धीरे ठंडे हुए हैं। इनकी जो चमक है वो धीरे धीरे ठंडे होने के कारण भी है, और धीरे धीरे ठंडे हुए हैं इसीलिए इनमें इस तरह की मजबूती। ये अपने तरह के अत्यंत चमकदार बर्तन है और उतने ही मजबूत बर्तन। इनमें रेखा चित्र भी मिलता है, इनमें बिंदु चित्र भी मिलता है, इनमें वृत्त मिलता है, अर्धवृत्त मिलता है, इस तरह के चित्र इसमें मिलते हैं। बस इस तरह के बर्तनों पर वनस्पतियों के मोटिफ, मनुष्यों के चित्र नहीं मिलते हैं, लेकिन रेखा है, बिंदु है, वृत्त है, इस तरह के चित्र मिलते हैं जिसे आप ज्यामितीय चित्र कह सकते हैं, होने चाहिए। आप देखेंगे तो एक टुकड़े पर इस तरह का चित्र दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से मृदभांड हैं, हम आपको स्लाइड दिखाएंगे कि इस तरह के मृदभांड के टुकड़ों पर इस तरह के चित्र मिले। ये रहा निर्माण कैसे बने, तीव्र चालित चाक से बने। जब तीव्र चालित चाक से बर्तन बनेंगे तो वो बड़े थिन बनेंगे, बड़े पतले बनेंगे, या और बर्तनों की तुलना में बड़े पतले हैं। मिट्टी से बने हैं, इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट है, फेरस लाइम है, फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट है। जो चमक है वो फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट के कारण है। फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट धातु जैसी चमक देता, धातु है तो धातु जैसी चमक देता है, और जो फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फेट है ये ब्लैक कलर देता है। यानी अलग अलग धातुएं अलग अलग कलर देती है, धातुओं में कलर होते हैं, रंग होते हैं, आप ये जानते हैं। बंद आमे में पकाए गए और पकने के बाद ये धीरे धीरे ठंडे हुए हैं जिस कारण इनमें और मजबूती आ गई है। अनेक ज्यामितीय चित्र बने हैं, रेखा चित्र बना है, बिंदु बना है, वृत्त बना है, अर्धवृत्त बना है, तमाम प्रकार के इस तरह के चित्र बने। अब बात करते हैं कि ये बर्तन इतिहास में क्या महत्व देते हैं, ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार के बर्तनों का क्या महत्व।
जहां भी ये बर्तन खुदाई में प्राप्त हुए हैं वहां बड़े पैमाने पर लोहे के उपकरण मिले हैं। यानी एनबीपीडब्ल्यू का संबंध लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग की तकनीक के साथ जुड़ा है। आप पहले इससे पढ़ चुके हैं, लोहे का प्रयोग पीजीडब्ल्यू बर्तन के लोग करते थे, पेंटेड ग्रेवेयर सभ्यता के लोगों ने लोहे का आविष्कार किया भारत में, लेकिन एनबीपीडब्ल्यू ने उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। तो जो लौह के कारण होने वाला परिवर्तन है, लौह तकनीक के जन्य जो परिवर्तन है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। दूसरी बात, ये बर्तन जहां से भी पाए गए हैं वहां खेती का प्रमाण मिलता है। और सबसे रेखांकित करने वाली बात है, जो महत्वपूर्ण है, कि चावल की खेती का विस्तार मिला है। चावल की खेती बड़े पैमाने पर इस काल में हो रही है, इसका प्रमाण हमें मिला है। चावल की खेती अपने आप में बड़ी है, ऐतिहासिक खेती मानी जाती है। बड़ी जनसंख्या को पोषण देने का कार्य केवल चावल से हो सकता है। चावल की खेती में श्रम अधिक लगता है, श्रम की डिमांड होती है तो जनसंख्या की वृद्धि होती है। जिन क्षेत्रों में चावल पैदा होता है वहां जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि दिखाई देती है। हम आपको किसी दिन चावल की संस्कृति पर एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, एक अलग से टॉपिक बनाएंगे और आपको बताएंगे कि देखो अगर चावल की खेती पैडी कल्चर समाज में पैदा होगा तो समाज में क्या क्या ऐतिहासिक परिवर्तन पॉइंट आउट हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। दूसरी बात, ये बर्तन जहां से मिले हैं वो नगर है। जैसे कुम्हार गांव नगर था, राजधानी नगर था और प्राचीन भारत की राजधानी का गौरव था, वही प्राचीन पाटलिपुत्र है। आज का जो पटना है ये शेरशाह ने बनवाया है, पुराना जो पाटलिपुत्र था वो आज का कुम्हार गांव है। जैसे वैशाली है, जैसे तक्षशिला है, जैसे पाटन एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक बंदरगाह था, उज्जैन राजधानी था, कौशाम्बी राजधानी था, तो ये बर्तन जहां मिले हैं बड़े पैमाने पर नगरीकरण मिलता है। यानी एनबीपीडब्ल्यू का संबंध नगरीकरण से है, ग्रामीण सभ्यता से नहीं है। ओके, और अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो आप जान चुके होंगे कि भारत में पहले नगरीकरण हो चुका था सिंधु सभ्यता काल में, वह सभ्यता नष्ट हो गई, दोबारा फिर नगरीकरण हुआ। यानी एनबीपीडब्ल्यू द्वितीय नगरीकरण को व्यक्त करता है। ओके? और यदि नगरीकरण है तो बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य है। सबसे बड़ी बात है कि एनबीपीडब्ल्यू बर्तन जहां भी मिले हैं वहां हमें सिक्के मिले हैं, सिक्के, तांबे के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं। मुद्राओं का प्रयोग इस काल में बड़ी तेजी से दिखाई देता है। यानी एनबीपीडब्ल्यू का प्रयोग मुद्रा प्रयोग करने वाले लोगों का प्रयोग है। व्यापार वाणिज्य के विकास का काल है, द्वितीय नगरीकरण का काल है, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यही काल गौतम बुद्ध का है, यही काल भारत में महाजनपद काल है। यही काल भारत में महाजनपद काल है, यही काल भारत में गौतम बुद्ध का काल है, यही काल एनबीपीडब्ल्यू है। यानी एनबीपीडब्ल्यू का संबंध गौतम बुद्ध काल से है, महाजनपद काल से है। और जब भारत में महाजनपद काल गौतम बुद्ध का काल आता है तो बड़े पैमाने पर नगरीकरण दिखाई देता है, बड़े पैमाने पर सिक्कों का प्रयोग दिखाई देता है, व्यापार वाणिज्य का विकास दिखाई देता है, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर चावल की खेती विकसित होती है। इन सब के पीछे जो बड़ा फैक्टर माना जाता है, जो प्रेरित करने वाली तकनीक मानी जाती है, वो लौह तकनीकी मानी जाती है। यानी लोहे का प्रयोग, एनबीपीडब्ल्यू बर्तन का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग, व्यापार का प्रयोग, नगरीकरण और धार्मिक क्रांति, गौतम बुद्ध के काल को हम धार्मिक क्रांति कहते हैं। ये चारों पांचों चीजें इतिहास में लगभग एक साथ घटित होती है। इनकी तिथि अगर देखा जाए तो 600 BC के आसपास मानी जाती है। जो रेडियो कार्बन विधि से इसका डेटिंग हमने की है, क्रोनोलॉजिकल डेटिंग जो मिलती है वो 600 BC के आसपास मिलती है। तक्षशिला के कुछ क्षेत्रों में जब खुदाई हुई तो इस मिट्टी के बर्तनों के साथ सिकंदर के सिक्के मिले हैं, और भारत में सिकंदर का आक्रमण 325-326 BC माना जाता है। यानी ये बर्तन सिकंदर के काल तक है। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 600 BC से लेकर
300 बीसी के मध्य ये बर्तन पाए जाते हैं। 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के मध्य ये बर्तन पाए जाते हैं। ओके, ये रहा मृदभांडों की पूरी तकनीकी और इनका पूरा संबंध, यह किस संस्कृति से संबंधित है, महाजनपद काल से, गौतम बुद्ध काल से, जिसे हम धार्मिक क्रांति कहते हैं, यानी एक साथ भारत में लौह क्रांति, एक साथ भारत में धार्मिक क्रांति, नगरी क्रांति, तीनों घटित होती है और उसी के साथ NBPW बर्तनों का संबंध, यानी NBPW बर्तन लौह क्रांति को बताते हैं, NBPW बर्तन धार्मिक क्रांति को बताते हैं और NBPW बर्तन नगरी क्रांति को बताते हैं। ये द्वितीय नगरीकरण है, धार्मिक क्रांति का समय है जो महा और महाजनपद काल का समय है। महाजनपदों के काल में आप देखेंगे भारत में एक साथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बड़े पैमाने पर नगरीकरण दिखाई देता है। यही वह समय है जब एक साथ बड़े पैमाने पर नगर दिखाई दे, जिसमें 5 को महानगर की संज्ञा दी जाती है, 6 है महानगर की संज्ञा पाने वाले, वहां में NBPW बर्तन दिखाई देते। ओके, इस तरह से ये टॉपिक कंक्लूड होता है। अब आप में से किसी को इस तरह का कोई भी जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बोलो बेटा, आवाज खोल करके आप अपनी बात कर सकते हैं। बोलो बेटा, सर महाजनपद काल क्या है? आगे आगे मिलेगा बेटा। अच्छा, और सर ये तक्षशिला में जो आपने बताया था पहला, वहां पे 3 जगह खुदाई हुई थी तो वो मैं समझ नहीं पाई। तक्षशिला एक पुराना विश्वविद्यालय है जो पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक, जी जी, आवाज जी सर, तो पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है वो भारत का विश्वविद्यालय है। भारत का तो है ही, पूरी दुनिया का प्राचीन विश्वविद्यालय है। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का विद्यार्थी था, चाणक्य भी यहीं का विद्यार्थी था और आगे चलकर यहीं पर आचार्य भी हुए। ठीक, आगे एक और तमाम ऐसे विद्यार्थी इसके मिलेंगे जो इतिहास के लिए बड़े महत्वपूर्ण बने। चरक का नाम आपने सुना होगा, प्राचीन काल का, वो भी यहीं का विद्यार्थी था। तो इस तरह से जीवक यहीं का विद्यार्थी था, तो ये सारे नाम मिलते हैं जो वहाँ के प्राचीन अध्ययन किए हुए लोग थे, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ माना जाता है। जीवक है, आगे मिलेंगे, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो कि का प्राचीन अवशेष है वो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में, वर्तमान में पाकिस्तान में, तो रावलपिंडी एक बड़ा क्षेत्र है, वहां पर 3 टीले मिले, टीले माने मिट्टी का जमाव। ठीक जी, तो उसी में एक टीले का नाम हीरा टीला है, एक टीले का नाम सिरहप है, जिसे सिरकप भी कहते हैं। सिरकप और सिरहप दोनों नाम प्रचलित है, दोनों में से कोई भी आप नाम प्रयोग करें, कहीं सिरकप मिलेगा कहीं सिरहप मिलेगा। तो सिरकप है, ठीक, यानी 3 स्थान है, 3 जगह मिट्टी का जमाव है। जो सिरकप स्थान है, सिरकप वहाँ एक गाँव है, तो उसकी जो खुदाई की गई वहीं पर प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमाण मिला। क्लियर जी सर। तक्षशिला एक बड़ा नगर था, वहां पर एक विश्वविद्यालय था, वहीं एक राज्य था, वहीं राजधानी, वहां आवासीय क्षेत्र होगा, तो राजधानी अलग थी, विश्वविद्यालय अलग था। तो जो सिरकप का टीला है गाँव जो वर्तमान में है वहीं पर विश्वविद्यालय का प्रमाण मिला। ठीक, यहीं पर पहली बार हमें NBPW बर्तन प्राप्त। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मनोज जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नो सर। सोनाली जी, आवाज आ रही है आपको? सोनाली जी कुछ बोलने का प्रयास कर रही है लेकिन आवाज उनकी नहीं खुल पा रही। बहरहाल, तो ये रहा NBPW बर्तन। इस तरह से हमने देखा कि बर्तनों की 3 क्वालिटी आपने पढ़ी ना, OCP बर्तन पढ़े, PGW बर्तन पढ़े और उसके बाद NBPW बर्तन। ये 3 बर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के बर्तन हैं जो खुदाई के दौरान मिलते हैं,
लेकिन उनका महत्व तुलना में कम है। ठीक, तो एक बड़ा फैक्टर आपने, एक बड़ा सेगमेंट आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ सेगमेंट हैं उनके बारे में भी अध्ययन करें। अगर हम किन्हीं स्थलों की पूरी खुदाई समझ लें, जैसे तक्षशिला है, उसकी खुदाई हमने तो नाम लेके छोड़ दिया, अब खुदाई करके देखें, खुदाई का अध्ययन कर लें कि कैसे उसकी खुदाई हुई, साइट क्या मिली, साइट में क्या क्या चीजें मिली, तो हमारा अध्ययन और भी मजबूत हो जाएगा। जैसे हस्तिनापुर है, उसकी खुदाई देख लें, कौशाम्बी है, उसकी खुदाई देख लें। तो अगर खुदाई दो चार प्लेसेस के बारे में पढ़ लें, तो हम समझते हैं कि ये चीजें हमारे लिए और भी बेहतर हो जाएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ये चीजें पढ़ेंगे। कल तो 15 अगस्त है, कल आप भी 15 अगस्त मनाइए, आनंद करिए, एंजॉय करिए, और अग्रिम शुभकामना सबको, ढेर सारी बधाई। 15 अगस्त खूब एंजॉय पूर्वक आप मनाए। कल तो क्लास सस्पेंड रहेगी, परसों क्लास रहेगी, अब तो मैं कॉलेज रहूंगा, तो कॉलेज में लेक्चर का प्रबंध करूंगा, क्या हो सकता है। तो कॉलेज में तो मंडे को कॉलेज रहूंगा, तो वहां पर क्लास लेंगे। तो परसों हम लोग पढ़ेंगे तो किसी स्थान की खुदाई के बारे में देखेंगे, दो चार स्थान की खुदाई करके हम देख लें, पढ़ लें उसकी खुदाई कैसे हुई, तो एक आइडिया बन जाएगी कि पुरातत्व में इतिहास का क्या महत्व है और किस तरह की खुदाइयां होती हैं। तो वो चीजें हमारे लिए कंठस्थ करने लायक रहेंगी और ज्यादा इंजॉयफुल रहेंगी। ओके ओके भाई, अब आज की क्लास को एंड किया जाता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। 15 अगस्त के बाद नेक्स्ट मिलेंगे। ओके सर।